जग गंगा। बिहार के पूर्णिया का एक उभरता हुआ सितारा जो भोजपुरी और मैथिली के संगीत क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है, महज पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार में अपना नाम रोशन कर रहा है भोजपुरी के क्षेत्र में। इतना ही नहीं, पूर्णिया जैसे जिले में भवानीपुर के ब्रह्मज्ञानी में गौरव ठाकुर नाम का युवा जो भोजपुरी संगीत के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है और आज इस मुकाम पर है कि खेसारी लाल यादव जैसे कलाकार के साथ अपनी प्रस्तुति देता है। तो आइए हम व्यक्ति विशेष में बात करेंगे गौरव ठाकुर से कि किस तरह से उसकी शुरुआत भोजपुरी संगीत में हुई और एक छोटे से कस्बे में जहां शुरुआत उन्होंने की है और आज खेसारी लाल यादव के साथ कई परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, तो उनसे हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष में। आप लोगों को भी दोनों हाथ उठा के कहना है भैया साथ हैं युवा भोजपुरी गायक के कलाकार, उभरता हुआ कलाकार जो पूर्णिया सहित बिहार में अपना नाम रोशन कर रहा है, गौरव ठाकुर। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आवाज 24 देखने वाले सारे दर्शकों को और आपको मेरा पैर छू के प्रणाम, जो आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैं इस जगह पे हूँ। और गौरव जी, भोजपुरी संगीत में शुरुआत किस ढंग से आपने की है? सबसे पहले मुझे गायकी का शौक बचपन से ही था, तो विद्यालय में जब मैं पढ़ता था तो उस समय भी मुझे प्रार्थना वंदना के रूप में मैं गाता था। ऐसे भी मुझे गाने का बहुत शौक था तो मैं गाता था। और नौवीं क्लास में जब मैं नौवीं में था तो पहली बार मेरे गांव ब्रह्मज्ञानी वहाँ पे एक सारे बड़े बड़े लोगों के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया गया था, तो उसमें मुझे गाँव वालों के कहने पर मुझे एक परफॉर्मेंस का मौका दिया गया। तो जब उस परफॉर्मेंस का मौका मुझे दिया गया तो लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा, जहां मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था वहां पे लोगों ने मुझसे 5 से 6 गाने लगातार गवाए और मैंने खूब तालियां बटोरी, सबों का प्यार मिला। गौरव जी, अपने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में दर्शकों को बताइए सबसे पहले। मेरा नाम गौरव ठाकुर, मेरे पिताजी का नाम श्री राधारमन ठाकुर, मेरी माता श्री का नाम श्रीमती प्रणीता देवी, और हम 3 भाई हैं जिसमें हम सबसे बड़े हैं, और बाकी 2 भाई भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में संगीत की शिक्षा भी ले रहा हूँ और आप लोगों के बीच एक कलाकार के रूप में भी
प्रस्तुति देने की कोशिश की है मैंने। गौरव जी, संगीत के क्षेत्र में जब आपने शुरुआत की तो आजकल अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, मगर संगीत बहुत एक अलग सब्जेक्ट है, तो आज के समय में संगीत को क्यों आपने चुना? देखिए, मेरा शौक बचपन से ही था कि मैं संगीत की तरफ जाऊं, लेकिन घर वालों की मर्जी कुछ और थी, पिताजी की मर्जी कुछ और थी। पिताजी ने मेरी पढ़ाई करवाई, मैं अभी पार्ट वन में पढ़ रहा हूँ और CBSE माध्यम से मैंने मैट्रिक इंटर किया है। तो पिताजी का ये कहना था कि अच्छा, मैं पढ़ाई में भी बचपन से ही अव्वल था, तो पिताजी का और घर वालों का कहना था कि पढ़ाई में ही कुछ ऊँचे स्थान पर जाना है। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, बट मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे संगीत भी करना है, मैं सबसे छुपाता था। लेकिन आगे चल के जब मैंने नौवीं कक्षा में मैंने प्रोग्राम किया, वहाँ से लगा कि नहीं, मैं अपने आप को इस लाइन में आगे बढ़ा सकता हूँ, लोगों ने भी काफ़ी सराहा। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं इस लाइन में आता गया। इस लाइन में जब मैं आता गया तो बहुत सारी बाधाएं आई, पढ़ाई भी साथ में करनी पड़ती थी और ये काम भी करना पड़ता था। तो फिर पढ़ाई भी करते थे और साथ में संगीत की भी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे थे। तो गौरव जी, संगीत को चुना ये बात समझ में आती है, लेकिन भोजपुरी ही संगीत क्यों, भोजपुरी ही क्यों? हिंदी माध्यम भी है, हिंदी संगीत भी है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। भोजपुरी एक सीमित तबका तक ही सीमित है भोजपुरी संगीत, ऐसे में भोजपुरी का चुनाव क्या सोच के किया आपने? ये बात नहीं है कि भोजपुरी संगीत एक तबका तक ही सीमित है। हमारे पूरे यूपी, बिहार और झारखंड, उत्तराखंड, इन चार राज्यों में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, मैथिली भाषा बोलने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग हमारे पूरे देश में बसते हैं। और सारे आदरणीय व्यक्ति जो देवता रूपी दर्शक है, जो हमें प्यार देते हैं, जिनके वजह से आज जो कुछ भी हैं हम, वो हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। तो वो कहीं भी बसे हुए हैं तो भोजपुरी माटी उनके शरीर में है, क्योंकि वो इस मिट्टी के हैं और कोई अपनी मिट्टी को भूल नहीं जाता कहीं जाने के बाद भी। तो इस तरह से ये पूरे देश में कहीं ना कहीं फैला हुआ है। गौरव जी, भोजपुरी संगीत को आपने चुना, तो ऐसा कोई संगीत है जिसे सबसे पहले आपने किसी परफॉर्मेंस में गाया हो गांव की मंडली में? हाँ, एक गाना, उसे मैंने कैसेट के रूप में भी गाया है और काफ़ी सारे लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया उस गाने को। वो मेरा देवी गीत आया था, वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ यदि सुनना चाहेंगे तो। एक गाना आया था ऐसे करके, हे जगदम्बा है अम्बे भवानी महिमा अगम अपार, हे जगदम्बा है अम्बे भवानी महिमा अगम अपार, हजों चारों दिस तक नी मैया लगे अन्हार, राउर हम पैर परेनी कहे न कष्ट हारेनी, राउर हम पैर परेनी कहे न कष्ट हारेनी। तो ये गाना मेरा कैसेट के माध्यम से भी आया, जब लोग काफ़ी पसंद करने लगे तो मैंने इसे कैसेट के रूप में गाया और मेरा ये गाना बहुत प्यार दुलार मिला इस गाने को मेरे। शुरुआत में जहाँ एक छोटे से कस्बे में किसी प्रोग्राम में आपने शुरुआत की जी, और आज एक पूरे भारत में खेसारी लाल यादव को जाना जाता है, उसके साथ परफॉर्मेंस करना कैसा लगता है? सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि इस संसार में आप जितना आगे बढ़ोगे कठिनाइयाँ उतनी आएगी, लेकिन मेरा ये सोच है कि हम कांटे पे भी चलें लेकिन सफलता अपना पा के रहें। जो जिस चीज़ को मैंने ठाना है, जिस चीज़ में मैं आ गया हूँ, उसमें अब सफल होना है, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी यदि मैं सफल हो जाऊँ तो। और दूसरी बात क्या है कि एक छोटे से कस्बे से चल के मैं इसी तरह गाता रहा, कार्यक्रम करता रहा। तो पहले छोटे छोटे प्रोग्रामों में जाता था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मौका मिलता था तो लोगों ने पसंद किया, साथ में मैं सीखता भी था। तो शुरू शुरू में गायकी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब जब मैं सीखता गया, परफॉर्मेंस करता गया, तो गायकी में भी सुधार आने लगा। मेहनत करता रहता था मैं दिन रात। उसके बाद मैंने कैसेट बनाए तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हुआ। पटना में एक हमारे खेसारी भैया के लेखक हैं, बहुत भोजपुरी के महान राइटर, माननीय पवन पांडे जी, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ और पटना उन्होंने बुलाया
तो उनका लिखा हुआ गाना, मेरे जितने भी गाने हैं सारे मैंने उनके ही लिखे हुए गाने गाए हैं। उनको भी मेरी गायकी पसंद पड़ी तो उनके मैंने बहुत सारे गाने गाए, और उसी तरह उनसे मिलने के बाद फिर मैंने उन्हें कहा कि भैया मुझे भी थोड़ा बहुत अपने कार्यक्रम में ले चलिए। तो वो तो खेसारी भैया के साथ कार्यक्रम, बड़े बड़े स्टार के साथ कार्यक्रम करते थे, तो मुझे पहले उनके भी टीम में छोटी जगह मिली। तो मैं एक दो परफॉर्मेंस करता था, उसी तरह धीरे धीरे उनको भी पसंद आया कि नहीं, वो भी बोले कि आप प्रोग्राम ठीक कर रहे हैं, तो आप जहाँ भी प्रोग्राम होगा आप आ जाया कीजिएगा। तो इसी तरह से छोटे जगह से लेके अभी वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों से मेल हो रहा है। खेसारी भैया के साथ उन्होंने हमारे पूर्णिया ज़िले में एक गांव है भिट्ठा गांव, तो उस गांव में काली पूजा महोत्सव 2018 खेसारी भैया का प्रोग्राम था, और वो गांव मेरे गांव से लगभग 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है। भिट्ठा गांव मेरे गांव से 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं भैया को, भैया ने बोला था कि 8 और 9 और 10 को प्रोग्राम है आपके ही ज़िले में, तो आप कहीं प्रोग्राम नहीं लीजिएगा, वहीं कीजिएगा। बोले ठीक है भैया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूँगा। मुझे वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और खेसारी भैया के साथ तो बड़े स्टार के साथ कलाकार काम करने में तो धीरे धीरे मौका आगे बढ़ता है। वहाँ मुझे एक परफॉर्म करने का मौका दिया गया, बोला समय कम है आप एक ही परफॉर्मेंस कीजिए। तो मैंने एक गाना गाया, तो उस गाने से मुझे काफ़ी प्यार मिला, लोगों ने फिर खूब सारी तालियां बजाई, मुझे सराहा, मुझे इनाम भी मिला। और उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, आपके मुख से एक और गाना मैं सुनना चाहता हूँ। इसी तरह करके वहाँ मैंने 2-3 गाने गाए, लोगों ने खाली काफ़ी प्यार आशीर्वाद दिया, और मंच पे जितने भी लोग थे हमारे KBP इंटरटेनमेंट के, खेसारी भैया के साथ में जो भी लोग थे, सारे लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जो है उनकी टीम के थ्रू, उनके बैनर तले मैं पवन भैया के सहयोग से बहुत सारा कार्यक्रम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। जिस गाने को लेकर खेसारी लाल यादव ने आपका चुनाव किया, उनके राइटर ने आपका चुनाव किया, दर्शकों को वो गाना 2 लाइन जरूर। जी, वो गाना हमारे पवन पांडे भैया का ही लिखा हुआ है, और बहुत प्यारा गाना है। गाने में कहा गया, एक औरत कहती है अपने सखी से, किस भाव में, हर एक कैसे बताई प्यार में पगलाई लबावे रे, कैसे बताई प्यार में पगलाई लबावे रे, तैयारवा भाई बन के मिले खाती हमसे, भतार संगे आई लबावे रे, तैयारवा भाई बन के मिले खाती हमसे, भतार संगे आई लबावे रे। मतलब गाने का अर्थ ये है कि भैया ने जिस भाव से लिखा है और मैंने जो गाया है, गाने का अर्थ ये है कि एक लड़की कह रही है अपनी सखी से कि उसका शादी जब हो जाता है, उस लड़की की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद भी आजकल के ज़माना मॉडर्न हो गया है, तो लोग तो उस लड़की का जिस लड़के से शादी से पहले प्रेम प्रसंग था, वो उसके घर पर उससे मिलने आ गया ये कह के कि मैं आपका भाई हूँ। तो वही वो लड़की बयां कर रही कि ये मुझसे भाई बन के मिलने आ गया है, किसी को यदि शक हो गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसी भाव में ये गाना है। गौरव जी, आपके पिता जी बस ड्राइविंग करते हैं, बस चलाते हैं जी। तो आपका भरण पोषण, पारिवारिक स्थिति मैं कह सकता हूँ कि कुछ कमज़ोर है, तो ऐसे में आपने जो चुनाव किया संगीत क्षेत्र में जाने का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे माध्यम से अलग करता है कि लोग अमूमन सोचते हैं कि मैं भी 2 हाथ मजदूरी करूं, अपने घर का पालन पोषण करूं, तो संगीत में क्या आना और परिवार पोषण चलाना क्या अलग अलग मुद्दे नहीं हैं? सबसे पहले तो बात जहां तक आ जाती है, पिताजी ने पहले घर में बहुत इस बात को लेके, जब मैंने कहा कि नहीं मुझे संगीत करनी है, तो घर में बहुत उथल पुथल हुआ। सारे लोग बोल रहे थे पढ़ाई करो, पढ़ाई में आगे जाओ, पढ़ाई में अव्वल हो, पढ़ाई करो, लेकिन मेरा था कि नहीं मुझे यहीं जाना ही, इसी यही लाइन करना है। तो पहले तो सारे लोगों से काफ़ी उथल पुथल हुआ, घर में बहुत सारी बातें हुई, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था उतना, बट शुरू में आखिर पिताजी तो पिताजी हैं, उन्होंने फिर कोशिश करके मुझे सपोर्ट किया, और मैंने भी अब मेहनत की, काफ़ी मेहनत की मैंने भी, मेरा जो कैसेट आता था मैं खुद से गाता था, खुद से सारा अरेंजमेंट करता था, खुद से मैं
दुकान दुकान जाके वो उस कैसेट का मैं प्रचार किया करता था कि ये मेरा गाना है। उस अभी के समय में हमारे दुकान में लोग बैठते हैं कंप्यूटर लेके और जो भी आते हैं उनको वो पेन ड्राइव में गाना डालते हैं। तो बात ये थी, सारे दुकानों में मैं जाता था, कहता था कि ये मेरा भी गाना आया हुआ है, आप सुनिए और उसे अपने कंप्यूटर में ले लीजिए, जो भी लोग आएंगे उनको डाउनलोड कर दिया कीजिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं भी लेते थे, कहते थे जाओ यार ऐसे बहुत आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिया भी, मुझे सपोर्ट भी किया। जिन्होंने सपोर्ट किया उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने नहीं भी किया उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बात यह है। तो जब मैं इस लाइन में आगे बढ़ने लगा अपने मेहनत के बल पे, तो फिर पिताजी को भी और घर के सारे लोगों को भी लगा कि नहीं, यदि इस लाइन में ये मेहनत कर रहा है, यदि आगे बढ़ रहा है, तो सारे लोगों ने कहा कि इसको इसी लाइन में सपोर्ट किया जाए। तो मैं सोचा कि ठीक है, मैं भी इसी लाइन में जाना चाहता हूँ, सारे लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं इस लाइन की तरफ बढ़ गया। शुरुआत तौर में जहाँ परिवार के लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, और आज आप एक मुकाम पे पहुँचे हुए हैं जहाँ आपको परिचय की ज़रूरत नहीं है शायद, तो ऐसे में अब परिवार वाले क्या देखते हैं, किस नज़र से आपको देखते हैं? शुरू में परिवार वाले देखते थे, वो सोचते भी थे कि आजकल तो दुनिया के हर क्षेत्र में संघर्ष हो गया, कि संघर्ष आप जितना करेंगे उतना आगे जाएंगे, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कमी नहीं है। कोई यदि 18 घंटे का संघर्ष करता है तो कोई 24 घंटे भी संघर्ष करता है। तो बात यह है कि सारे लोगों को लगता था कि इस लाइन को तो इसने चूज कर लिया, अब इसमें सक्सेस कर पाएगा या नहीं, आगे बढ़ पाएगा या नहीं। बट मुझे ये चीज़ लगा हुआ था कि मैं यदि घर वालों के सपोर्ट से, अपने मन से मैं इस लाइन में आया हूँ, तो मैं घर वालों को ये कहने का मौका नहीं दूँ कि तुम इस लाइन में क्यों गए। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा, मुझे जब भी समय मिलता था मुझे हर वक्त यही लगा रहता था कि मैं कितना से ज़्यादा मेहनत कर सकूं। और इसी कारण को लेके फिर मैं इस लाइन में आगे बढ़ा, फिर सारे लोगों का सपोर्ट मिला और बढ़ ही रहा हूँ, अभी भी संघर्ष कर ही रहा हूँ मैं। गौरव जी, आपने ऑफ रिकॉर्ड हमसे बातचीत की थी, उसमें बताया कि आपसे एक प्रोग्राम के दौरान एक सवाल हुआ था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो आपने जवाब दिया था माँ है, ठीक है, और उस जवाब को सुनकर सामने वालों ने आपको पारितोषिक रूप में कुछ इनाम भी दिए थे, तो माँ के ऊपर कोई गाना आपने लिखा है या कोई कभी गाया है? हाँ, माँ के ऊपर जो है, माँ तो खैर अनमोल है, माँ के इस दुनिया में यदि भगवान से भी ज़्यादा कोई प्यार करता है एक बेटे को, तो वो माँ से बढ़ के, क्योंकि आज माँ की दुआ है कि मैं इस लाइन में हूँ, आपके साथ हूँ, आप जैसे महान हस्ती के साथ में खड़ा हूँ, तो ये माँ की दुआ है कहीं ना कहीं। और माँ के लिए दो लाइन गुनगुनाना चाहूँगा यही कि कबहू जे बेटा के कौनो दुखावा सतावे, कबहू कौनो बेटा के जे दुखावा सतावे, सबसे पहले भैया हो माइये याद आवे, सबसे पहले भैया हो माइये याद आवे, दुनिया के दुख जब बारी तर पावे, दुनिया के दुख जब बारी तर पावे, ओह घरी भैया हो माइये कम आवे, ओह घरी भाई लोग माइये कम आवे। छोरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, छोरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, रोड पे चले छा कमाल चल गे। हमारे साथ आज व्यक्ति विशेष में गौरव ठाकुर हैं, जो भोजपुरी संगीत में उभरते हुए एक कलाकार हैं, सितारे हैं, जो पूर्णिया जैसे छोटे कस्बे से लेके आज बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ आज काम कर रहे हैं। तो हम उनसे आगे फिर बात करते हैं। गौरव जी, संगीत भोजपुरी को चुना, ठीक है, तो भोजपुरी संगीत मैंने भी काफ़ी सुना है, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि भोजपुरी संगीत में काफ़ी अश्लील शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, तो अमूमन लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, जो शिक्षित वर्ग होते हैं वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो इस ढंग में आप उस कैटेगरी को कहाँ रखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है अश्लीलता की, तो अभी का दौर ऐसा आ गया है, ये बात मैं अपनी जीवन का कह रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है कि लोग तो अश्लील गा रहे हैं, बहुत सारे कलाकार हैं अश्लील गा रहे हैं, उन्हें नहीं गाना चाहिए, मैंने नहीं गाया है, और जो हमारे समाज को कुछ ऐसा गाना गाएं हम कि जिससे हमारी माँ बहनें घर में सुन सके, हम अपने परिवार के साथ बजा सकें। कलाकार होने का मतलब यही है, कलाकार होने का मतलब ये नहीं है कि
यदि आपको सरस्वती ने सुर दिया है, स्वर दिया है कंठ में, तो उसका आप गलत इस्तेमाल करें, गलत संदेश लोगों के बीच में जाए, गलत गाना गाएं। और जहाँ तक बात रही अश्लीलता का, तो एक जो भोजपुरी का एक भोजपुरी मतलब द्वर्थी, किसी भी गाने को द्वर्थी में हम गा सकते हैं, एक पर्दा भर हम गा सकते हैं, पर्दा से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसे पर्दे में गाना। जिस तरह बात लीजिए कि कोई गाना है कि जिस तरह लिया जाए कि हम मान लीजिए एक मटन का दुकान खोलते हैं, हम मटन का दुकान खोलते हैं तो उससे बिक्री मेरी यदि ठीक हो रही है और मेरी बिक्री हो रही है, मेरा परिवार चल रहा है, मेरा परिवार उससे चल रहा है, तो वो और वहीं पे उसी जगह यदि कोई व्यक्ति अगरबत्ती का दुकान करता है, अगरबत्ती बेचता है और उसका परिवार भूखे मर रहा है, तो उससे तो कहीं बेहतर है कि वो मटन बेच रहा है, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। अभी का दौर ऐसा आ गया है, कलाकारों की भी गलती है, लेकिन अभी का दौर ऐसा आ गया है, ये मैं यूट्यूब के आंकड़े बता रहा हूँ, कि यदि एक कलाकार भक्ति गाना गा रहा है, अच्छे गीत गा रहे हैं, तो उसे महज कहिए तो 4,000 से 5,000, 10,000 लोग ज़्यादातर देखते हैं एक दिन में। और यदि कोई कलाकार गलत चीज़ गा रहा है, अश्लील गाने गा रहे हैं, तो उनका एक दिन में लगभग 10-10 लाख लोग, 5-5 लाख लोग देख लेते हैं। तो अभी कलाकारों को फायदा है क्योंकि दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं, इसमें कलाकार की भी गलती नहीं है। यदि हमारे दर्शक गलत सुनना बंद कर दें तो कलाकार गलत गाना भी बंद कर देंगे, तो यही बात है। बाकी जहाँ तक कलाकारों का सवाल है, कि यही मैं अनुरोध करूँगा सबों से और मैं खुद से, कि कभी अश्लील नहीं गाएं ज़िंदगी में। यदि सरस्वती ने आपको उस लायक बनाया है तो सरस्वती का मर्यादा रखें, ऐसे चीज़ प्रस्तुत करें जो आप भी सुने तो अच्छा लगे और आपकी माँ बहनें भी सुने, समाज भी सुने तो अच्छा लगे। समाज के मानसिकता पर गाना का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाज को एक गाना जो अमूमन प्रचलित हो जाता है, हिट कर जाता है, जिसे हम कहते हैं हिट करना गाना, तो समाज को किसी ना ढंग से प्रभावित करता है। तो कोई आपकी अपनी सोच है समाज को लेकर, कोई अपना गीत लिखा हुआ है जो समाज को एक मैसेज देता हो, अच्छा मैसेज देता हो? हाँ, अभी के दौर में दहेज प्रथा जो लागू हुई है, हमारे समाज में बेटियों की भ्रूण हत्या हो जाती है, उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिससे कि दिन पर दिन लड़कियों की संख्या घटती जा रही है और इससे हमारे समाज को हानि है, तो मैंने सोचते हुए इस पे 4 लाइन मैंने लिखा है खुद से, बड़ा अच्छा भाव में लिखा है, आप गौर कीजिएगा उस गाने पे, इस तरह से है कि लागू भाई लदा है जी पर था एगो काम हो गईल, लागू भइल दहेज प्रथा बड़का काम हो गईल, आ बेटी ना मारल जाई अब ऐलान हो गईल, लागू भइल दहेज प्रथा बड़का काम हो गईल। और इसमें हमारे सरकार ने का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो यदि इस प्रथा को लागू नहीं करते तो आज एक गरीब बाप अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाता, इसी कारण से बेटियों की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि एक गरीब घर का बाप सोचता है कि ये जब जवान होगी या ये जब इसको मैं पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा, उतने बड़े घर में मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, तो ये हमारे सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। तो मैंने सरकार को भी धन्यवाद दिया है कि इस भाषे में कि बाटे सरकार के ऊपर हमनी के नाजी हो, बंद भइले हो चाचा गलत भइल समाज में बंद हो, कैसे भाव है कि बाटे सरकार के ऊपर हमनी के नाज हो, और सुधर जाइए चाचा जी अपन समाज हो। और उसके अगले लाइन में मैंने लिखा है कि सुन बाली विवाह दहेज के कम तमाम हो गईल, लागू भइल दहेज प्रथा बड़का काम हो गईल, कि बेटी ना मारल जाए अब ऐलान हो गईल। तो समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं गौरव ठाकुर जी कि भ्रूण हत्या और बेटी हत्या का बचाव करना है, ये एक अच्छा प्रयास है गौरव ठाकुर का।
तो गौरव जी, अमूमन हर एक कलाकार का एक अपना पसंदीदा गाना भी होता है जी, जी। जो बराबर वो एकांत में या अकेले में या जब भी उसका मन करता है वो उसको गुनगुनाता है, तो कोई आपका अपना मनपसंद गाना? हाँ, अभी मेरा एक गाना यूट्यूब पे आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले आया हुआ है और उसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और दे ही रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह वो गाने मेरा बजता हुआ सुना। वो गाना मेरा बहुत अच्छा आया हुआ है। गाना इस टाइप से है कि गे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, हरुड पर चले लू कमल चल रे। और ये गाना मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना, जिसे कि मैंने इससे पहले भी गाया, काफ़ी सारे लोग उसे प्यार दे रहे हैं। मेरा आने वाला गाना है, वो गाना इस टाइप से है कि अब हो यार मिले हमारा से घर में, केहू नहीं बाटे है बेरा नहीं हार में, ता सुना प्यार वाली बात ना भूलिहा जानू हो, सुना प्यार वाली बात ना भूलिहा जानू हो, आ कुंवारे में दिल रहला जवान नथुनिया ले ले अइहा जानू हो, कुंवारे में दिल रहला जवान नथुनिया ले ले अइहा जानू हो। छौरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, छौरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, रोड पे चले छा कमाल चल गे। तो हमारे साथ गौरव ठाकुर थे, जो भोजपुरी संगीत में अपना परचम लहरा रहे हैं, और जैसा नाम है गौरव वैसा काम है इनका, जो बिहार और पूर्णिया वासियों के लिए सही में गौरव की बात है। और हम कामना करते हैं कि गौरव पूर्णिया नहीं, बिहार नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करें। आगे भी गौरव ठाकुर से हम दिलचस्प बातें करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में पूछेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर गौरव ठाकुर से बात करते हैं। छोरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, गे छोरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, रोड पे चले छा कमाल चल गे। नमस्कार, पुनः स्वागत है आपका आवाज 24 के स्पेशल सेगमेंट व्यक्ति विशेष में, और आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी संगीत में एक मुकाम हासिल करते हुए उभरते हुए सितारे का, जिसका नाम है गौरव ठाकुर। और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं गौरव ठाकुर, आइए हम उनसे फिर बातचीत करते हैं। गौरव जी, आज के युवा जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने जैसा बताया कि काफ़ी मुश्किलों का आपका सामना करना पड़ा है, गांव कस्बों से लेकर बॉलीवुड के सितारे खेसारी लाल यादव जी के साथ आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आज के युवा किस ढंग से इसको अपना सकते हैं, क्या परेशानी आएगी, या अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, या दूसरा करियर अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो बात है जहाँ तक इस लाइन में आने की,
यदि खुद में जुनून हो तो इंसान पहाड़ को भी तोड़ के रास्ता बना दिया। तो जिस मनुष्य में जुनून है, जिसे लगता है कि नहीं मैं ये कर लूँगा, तो कर ही लेते हैं, बट मुकाम पाने में कहते हैं कि आपका भविष्य जितना अच्छा होता है, आपके रास्ते आगे आने वाले जितने अच्छे होते हैं, तो परीक्षाएं उतनी खतरनाक होती है। तो ये बात हर आदमी को सोच के चलना चाहिए कि उन्हें घर परिवार, एक जब इस लाइन में आप आगे बढ़ेंगे तो घर परिवार हर चीज़ को देख लेना चाहिए कि मैं, मेरी इस तरह की फैमिली है, मुझे ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, और हर एक जगह जा जा के आपको उस चीज़ का प्रचार करना पड़ेगा। आपको पहले संगीत सीखना पड़ेगा, या आप जिस भी क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, तो आपको नृत्य सीखना पड़ेगा। जिस तरह मैं भी अभी संगीत की शिक्षा ले ही रहा हूँ, मैंने बंद, और आजीवन इंसान तो सीखने के लिए ही बना है, मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो हर जगह हर चीज़ एक नए चीज़ की खोज में लगे रहना चाहिए उस कलाकार को जिसे आगे बढ़ना है कि मुझे ये इस चीज़ की प्राप्ति करनी है। जो इंसान प्रयत्नशील रहता है तो वह एक दिन अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। गौरव जी, व्यक्ति हर मुकाम को हासिल कर लेता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो जाते जाते चुनावी मुद्दा है, चुनाव आने वाले हैं बिहार और भारत। तो गौरव जी, बिहार और भारत में अब चुनावी रंग आने वाले हैं, तो अपने गायकी के क्षेत्र में, गायकी कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो उसी की भाषा में चुनावी मुद्दे पे आपका क्या कहना होगा? हाँ, तो मैं भी आपसे ये सवाल बताने ही वाला था, ये जवाब कि मैंने उस पर भी बनाया है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि हमारे देश में राजनीति एक जातिवाद के स्तर पर चली गई है, और जब तक जातिवाद रहेगा तब तक विकास संभव ही नहीं है, यह हो नहीं सकता है। हम लोग सारे लोग जब मिल के एक हो जाएंगे और सारे लोग अपने देश के विकास के लिए सोचेंगे, खुद के विकास के लिए नहीं, अपने देश, क्योंकि हम यदि देश का विकास करते हैं तो हमारा खुद का विकास खुद ब खुद हो सकता है। और इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मुझे जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा। और आजकल के जो भी हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, उन सबों को देखते हुए मैंने एक गाना लिखा है, अपने से लिखा, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और गौर फरमाइएगा ये क्या किस तरह का गाना है। कि आजकल के राजनीति भइल बा बेकार हो, सब नेता करे अपने में बाहरी यार हो। मतलब हमारी भोजपुरी में कहा गया है कि आजकल की राजनीति एक ऐसी हो गई है कि हर नेता अपने में बरियार, मतलब झगड़ा, अपने में वाद विवाद करते हैं, कि लोग चाहते हैं कि मैं सत्ता पाऊं तो मैं सत्ता पाऊं। इसमें होता क्या है कि कोई ये नहीं देखते हैं कि जनता की क्या समस्या है, सब अपने अपनी सत्ता पाने में लगे रहते हैं, और सत्ता पाने के बाद सारे लोग भूल जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं उसके बाद, था देखा समाज में जे भी गलत काम होला जी, था देखा समाज में जे भी गलत काम होला जी, आ गलत काम करे दबंग लोग बाबा की जनते बदनाम होला जी, गलत काम करे दोसर लोग बाबा की जनते बदनाम होला जी। क्योंकि कहा गया कि अक्सर दबंग लोग, चोर डकैत, ये जो भी होता है अभी के समय में, ये लोग गलत काम करते हैं लेकिन कोई निर्दोष फंस जाता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते, उतनी पहुंच नहीं होती कि वह बच सके, और वो किसी के दरवाज़ा खटखटाने भी जाता है तो उन्हें मदद नहीं मिल पाती है, इसीलिए गलत काम करते हैं दूसरे लोग और बदनाम हो जाते हैं गरीब लोग। और इसके अंतरे में मैंने लिखा है कि जाति पात के नाम पर होला भ्रष्टाचार जी, जात पात के नाम पे अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, और कि लोग लोग से करे दुश्मन के व्यवहार जी। मतलब मनुष्य मनुष्य से दोस्त के तरह नहीं, दुश्मन के तरह रहा है। कि जाति पात के नाम पर होला भ्रष्टाचार जी,
अलोग लोग से करे दुश्मन वाला व्यवहार जी। और इसके फिर जो लिखा है कि मैंने बेटियों को भी इस लाइन में मैंने दर्शाया है कि बेटियां किस तरह से इस लाइन इस कारण जो है गड़बड़ा रही है, उन पे रेप हो रहा है। ता देखा बेटियन के रेप सारे आम होला जी, ता देखा बेटियन के रेप सारे आम होला जी। आ गलत काम करे दो सारे लोग, बाकी जनते बदनाम होला जी। गलत काम करे दो सारे लोग, बाकी जनते है बदनाम होला जी। छोरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, छोरी तोरी चुनरी छोला लाल गे, रोड पे चले छा कमाल चल गे। व्यक्ति विशेष में हमारे साथ थे आज गौरव ठाकुर जी, जो उभरता हुआ एक कलाकार है, युवा है, और हमारी और हमारे आवाज 24 की टीम की शुभकामनाएं गौरव ठाकुर के साथ हैं। तो जाते जाते गौरव ठाकुर से हम रूबरू कराते जाते हैं कि गौरव ठाकुर, हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे जाते जाते कि यूट्यूब पे हमारे आवाज़ 24 एक चैनल है, आप लोग उसे सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप तक हर सच्ची खबर पहुंच सके। हमारे क्षेत्र का, हमारे पूरे बिहार, पूरे के कोसी, पूरे पूर्णिया क्षेत्र का हर सच्चा खबर जो आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो वो सबसे पहले खबर वो आपके पास पहुँचेगा और उसे देखेंगे आप, तो आप भी लगे आपको भी लगेगा कि नहीं, आवाज़ 24 ने हमारे लिए सही काम किया है, हर खबर को हम तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है गौरव ठाकुर इंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे सर्च करेंगे गौरव ठाकुर भोजपुरी सॉन्ग, मैंने दर्जनों एल्बम गाए हैं और गा ही रहे हैं। मेरा होली एल्बम एक से एक आने वाला है आप लोगों के बीच में, मेरा सैड सॉन्ग आने वाला है। आप लोग मेरे चैनल गौरव ठाकुर इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। इसी के साथ मैं गौरव ठाकुर आप सबों को एक बार फिर से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आवाज़ 24 के तरफ से भी मेरा आप सबों को प्रणाम है। इसी तरह सबों को प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय। लेकिन रही तनी छठ पे, लेकिन रवामन के भावे वाला रही एकदम। देखी औरतिया कहती है, पानी की करता मन मोरी तू बना पंगल रे, अब हरा जा छठ करेला और नीचे डीजे कि माई के लेके नाम अधाई के ऊपर ध्यान कि कल समाधि धरेला कि दौड़ा माथि धरेला करता मन मोरी तू बड़ा बनल गार्जियन स्वरूप है, इनके तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं चाहता हूं कि अपनी इस बेटी पे अपना आशीर्वाद सब दिन इसी तरह से बनाए रखें, ताकि अगले बार यदि इस धरती पे आपका ये बेटा आए तो अपना चार चक्का लेके आए और आपका प्यार आशीर्वाद आ तो निश्चित लेके आए। और देखिए तनी देखी औरती कहती है कि हर साल तुहारे तो आश्रम में रह जाऊ और ये पूरा न होला सपना हो तू रह जाता मन बहरे सैया। अब
की न चली बहनवा बहनवा आई भैया की हर साल दिमाग में ना आए छठ में छठ के गीत की करता मन मोरी तुम्हार बनल
और अंत में मैं अपने सारे दर्शकों से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एक YouTube चैनल है मुकेश म्यूजिक सेंटर, हमारे मुकेश भैया का चैनल है, बहुत प्यार दुलार देते हैं हमें, और उस चैनल के माध्यम से आप तमाम भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार और मेरे भी स्टेज से शोज और गाने देख सकते हैं। और जिससे कि जिस चैनल के माध्यम से आपने अभी मेरा पूरा इंटरव्यू देखा, जिस चैनल पे देख रहे हैं, ये चैनल है मुकेश म्यूजिक सेंटर। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें और हमारे मुकेश भैया को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें, ताकि हम आगे यदि इससे और बेहतर करने की कोशिश करें, इससे और बेहतर प्रोग्राम आप लोगों के सामने लाएं।